इन्होंने काफी जो मसाइल हैं गैर मुखल्लिदों से मुताल्लिक हैं, इन्होंने लिखा है कि अहले हदीस का कहना है एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, अगर कोई घर का आदमी दरवाजा खटखटाया तो नमाज तोड़कर दरवाजा खोलकर फिर वहीं से नमाज पढ़ सकते हैं। इसका खुलासा क्या है? ये शायद उनके यहाँ तो हो, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। अगर दरवाजा खोलकर फिर आकर नमाज भी पढ़ सकते हैं तो नमाज के दरमियान फोन आ गया, हेलो हेलो बात करके भी नमाज पढ़ सकते हैं, समझ गए। कसरत अमल एक लफ्ज है, फुकहा ने किताबों में लिखा है कसरत अमल। कसरत अमल किसको कहते हैं? मैं आपको बतलाता हूँ कि नमाजी नमाज में ऐसी हरकतें करे कि बाहर से देखने वाला उसे नमाज में ना समझे। एक तो है कि नमाज में रहते ऐसी हरकत करता है, रकात बांधे हुए भी है, जरा खुजा लिया और ऐसे ही कर लिया तो समझ रहा आदमी नमाज में है, कुछ जरूरी था ये था, ये खुजा कर या टोपी को सीधा कर ये खड़ा हो गया। लेकिन एक आदमी नमाज के अंदर ऐसा काम कर रहा है, दोनों हाथों से टोपी उठा रहा है, फूक रहा है, फिर सिर में डाल रहा है और उसके बाद हाथ झटक रहा फिर बन रहा, तो दूर से देखने वाला ये समझ रहा है कि ये नमाज में नहीं है, तो उसको ये समझा जाएगा ये कसरत अमल। इस कसरत अमल की वजह से उसकी नमाज फासिद हो गई, टूट गई। जैसे खून के निकलने से नमाज टूट जाती है, रीह के निकलने से नमाज टूट जाती है, कसरत अमल यानी नमाज में खड़े होकर ऐसी हरकतें करना कि बाहर का देखने वाला इसको नमाज में ना समझे, इसकी वजह से। अब जाकर दरवाजा खोल पाया तो नमाज में समझेंगे, बाहर समझेंगे, बाहर समझेंगे इसकी नमाज टूट जाएगी।